उल्हासनगर भाजपा शहर जिला उपाध्यक्ष श्री कमल पंजाबी को जन्मदिन की शहर जिला भाजपा पदाधिकारियों व नए पैनल नंबर 23 की जनता की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कमल पंजाबी का मोबाइल नंबर 9371117111। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्हासनगर में चोरों ने सनसनीखेज तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने एक घर को निशाना बनाने से पहले आसपास के घरों को बाहर से कड़ी लगाकर बंद कर दिया, फिर उक्त घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के गहनों के साथ नकदी लेकर फरार हो गए। यह घटना विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन की हद में उल्हासनगर 4 NCT स्कूल के सामने पुलिस वसाहत के पीछे शिवनगर कॉलोनी परिसर में लक्ष्मण मारुति शिंदे के घर हुई है। 15 जुलाई 2022 रात लक्ष्मण व उसकी पत्नी योगना शिंदे डोंबिवली अस्पताल गए थे। उनके रिश्तेदार की स्थिति चिंताजनक थी, वह रात भर वहीं थे। लक्ष्मण की मां अपनी पोती के साथ पास में रिश्तेदार के घर थी। रात 2 से 5 बजे के बीच चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस शिकायत के अनुसार चोरों ने 40,000 रुपये नकद व करीब 6.5 तोला सोने के जेवर चोरी किए। योगना शिंदे के अनुसार 15 से 16 तोला सोना, 1 से 1.5 किलो चांदी व 40 से 50 हज़ार रुपये नकद की चोरी हुई है। हम लोग 15 तारीख के इवनिंग में, मतलब 8 o'clock या 7 o'clock से डोंबिवली ममता में सब थे रिलेटिव्स या ये, और हमारे आधा रिलेटिव्स 12 साढ़े 12 बजे घर आए, और मेरी एक 2 साल की लड़की थी, वो मेरी सिस्टर इन लॉ के इधर सोई थी। इसके लिए मेरी सास घर में आई और दूध गर्म करके उसके पास गई, तो वो नीचे ताला लगा के गई ऊपर, तो मतलब वो 2:30 और 5 o'clock के बीच में कोई नहीं था। तो मेरी ननंद की एक लड़की थी, वो अराउंड 4:45 5 o'clock घर में आई चाबी लेने के लिए मेरे गाड़ी की। मेरी गाड़ी वो हॉस्पिटल में लगाई थी, तो वो उधर लगाने की थी हमारे घर के पास, इसके लिए चाबी लेने के लिए आई। तो घर में सब बिखरा हुआ था, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तभी पता चला कि घर में 15 से 16 तोला सोना गया है, 1 to 2 या 1.5 kg चांदी लेके गए सब लोग, और 40-50 हज़ार का कैश भी था। अच्छा, ये चोरी की घटना हुई तब आसपास के घरों में उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों के घरों में बाहर से लॉक किया, और बारिश थी इसके वजह से घर में आवाज़ भी नहीं गई, इसके लिए कोई किसी को भी पता नहीं था। जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने वो लोगों का सब ताला खोला, वो लोग बाहर आए, बाजू वालों मतलब बाजू में स्टार्टिंग से एंड तक वो पूरा घर लॉक किया था। आपने पुलिस में शिकायत की है? हमने पुलिस में शिकायत की है, बट पुलिस वालों ने अभी कैसा है, जो सोने का रिसीट है वही सोने का नोन करके लिया है। मतलब अभी देखो, मेरे शादी को हुआ है 4 साल, अभी 4 साल में तो 4 साल का रिसीट भी थोड़ा हमने मिस किए हैं अभी, और मेरी सास का भी सोना गया है, वो तो करीबन 10 या 15 ईयर्स का होगा, उसका तो रिसीट हमारे पास नहीं है, तो वो नोन नहीं करके लिया है। और मेरे लड़की का सोना जो गिफ्ट मिला था, मेरे हस्बैंड को, हस्बैंड का गोल्ड जो कॉइन था, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन थे, वो कंपनी से मिला था 2015 या 14 में, वो उसका भी कोई रिसिप्ट नहीं था, वो सब गोल्ड हम लोगों ने घर में ही रखा था। और मेरी ननंद की लड़की की शादी थी 22 जून में, इसके लिए सब गोल्ड घर में ही था, इसके लिए हम लोग लॉकर में भी नहीं रखते थे और घर में थे, ऐसा ही रखा था। और वो दिन हमारे घर में इमरजेंसी थी, इसके लिए हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, नहीं तो गाँव जाने के टाइम हम लोग ऐसे खुले में नहीं रखते थे, बट ये ऐसा इमरजेंसी घर के बाहर गए हम लोग और ये सब हुआ। आपको पुलिस से क्या उम्मीद है? अब हमको पुलिस से उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द वो जो चोरी किया है वो लोगों को पकड़े। विठलवाड़ी पुलिस आसपास के CCTV कैमरा की मदद से चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस परिसर में पुलिस वसाहत के पीछे शिवनगर कॉलोनी के अलावा साईं बाबा मंदिर परिसर, वसीता कॉलोनी परिसर, पीरागोट परिसर आदि क्षेत्रों में शराबी व नशेरी बिंदास नशा करते हैं, और उनके साथ उक्त परिसरों के अलावा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी बैठते हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।